सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखे होंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आप लोग को वीडियो बना के दूँ ताकि आप लोग भी ऐसा रील्स बनाएं और आपका भी सबसे जल्दी वायरल हो। तो ये रील्स मैं सबसे पहले ही एडिटिंग सिखा रहा हूँ, कोई अभी तक नहीं बताया हमको लगता है, और वो भी आप लोग को VPN एप्लीकेशन से बताऊँगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि सारे लोग VPN, कैपकट वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन का वो बता रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा किसी किसी के मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ें सबके मोबाइल में सपोर्ट करेगा। तो ये ऐसे नाम लिखने वाला वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो यही मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है ना? तो बस वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। और एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है ना, अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है VN, ठीक है ना? VN सर्च करना है। VN सर्च करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना? यही वो एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें का जो भी स्टॉक रहेगा मैं सारा आप लोग को स्टॉक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग पूरा मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से सिंपल से आप लोग को क्या करना है, VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटो वाला ऑप्शन आएगा। इसको आने के बाद ये वाला बैकग्राउंड मैं आप लोग को दे दूंगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको करने के बाद इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? इसको ले लेना है अपने लेयर में। लेने के बाद लास्ट में आप लोगों को VN का वाटरमार्क मिल जाता है, इसका डिलीट कर देना है और इसका लेंथ को थोड़ा सा 8 सेकंड का कर देना है, बड़ा कर लेना है, ठीक है? बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद से हम चलेंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जाने के बाद मैं आप लोगों को इसमें जो फॉन्ट यूज होता है उसका लिंक दे दूँगा, बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चलना है। देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है छोटा सा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर एड वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं अपना नाम AMIT अमित लिख लेता हूँ और डन कर लूँगा, ठीक है? डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोगों को फॉन्ट बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा सिंपल से ऐड फॉन्ट, ठीक है? ऐड फॉन्ट पर क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर लिखेगा इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल ऐप, ठीक है? अपने फाइल में से इम्पोर्ट करने के लिए लिखेगा, क्लिक करेंगे और ये है अर्बन जंगल फॉन्ट, ठीक है? इसको मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट आ गया है, अर्बन जंगल फॉन्ट, ठीक है? इस पर क्लिक करके और क्या करना है, ये लास्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है, ये वाला जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद लेटर जो लिखा हुआ है ना, लेटर स्पेसिंग, ठीक है? इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है? बढ़ाने के बाद डन करेंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा करके अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे, ठीक है? और ये जिप फाइल में रहेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से मिनिमाइज करके चलते हैं अपने फाइल में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यही वो है, जिप फाइल में रहेगा। आप लोगों को सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल टू, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इंटरनल में जाके किसी खाली वाले, जो भी आपका फोल्डर खाली होगा उसी फोल्डर में इसको इम्पोर्ट करना है, जैसे कि मैं एंड्रॉयड में इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है? इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके कर लेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये फॉन्ट शो नहीं करेगा। तो चलते हैं फाइनली अपने VN एप्लीकेशन में, ठीक है? यहाँ से जब इतना कर लेंगे तभी जाके यहाँ पे फॉन्ट में शो करेगा, ठीक है? अपने फाइल में जाके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है अभी पहले वीडियो में, जैसे मैंने किया है, ठीक है ना? वैसे करना है। करने के बाद आप लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वीडियो पे क्लिक कर लेना है और फोटो पे जाके और ये वाला जो एक PNG मिल जाएगा इसको मैं दे दूंगा। इसको डाउनलोड करके इसको क्या करना है, छोटा करके ऐसे M वाले लेटर पे ऊपर की साइड में इसको अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, सेट कर लेना है कुछ इस टाइप से और डन कर लेना है, ठीक है? डन करने के बाद दोनों का लेंथ हमको खींच के बड़ा कर लेना है, ठीक है? देखिए कुछ इस टाइप से हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा कट गया था, मैं फिर से इसको बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे ही आप लोगों को बड़ा कर लेना है, तो मैं यहाँ से सारे लेंस को बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद से ये वाला जो ऊपर वाला है इस लेंथ को भी बड़ा कर लेंगे। दोनों एकदम एक साइज़ का हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है ना, सिंपल से इस पर क्लिक करके वीडियो वाले ऑप्शन पे एक वीडियो दूंगा, उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से नहीं करना है, ये वाला साउंड ऐड करना है ना, तो साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सिंपल से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक वाले पे,
और लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, ठीक है। इस पर क्लिक करके ओके करना है और ये वाला वीडियो लेके उसको ऐसे सेव कर लेना है, ठीक है। जब सेव करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसमें इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाके और यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद यहाँ से मैं साउंड कम कर देता हूँ, कॉपीराइट का इशू है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। म्यूजिक भी हमारा ऐड हो गया। सिंपल से अब क्या करना है, आप लोगों को अपलोड कर देना है। देख सकते हैं कितना अच्छा से बन गया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें कोई एनिमेशन भी डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव कर लेंगे, यहाँ से सिंपल सेव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके वीडियो मेरा सेव हो रहा है। सेव करने के बाद भी अभी बहुत सारा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा, तो पहले सेव हो जाने दीजिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। सेव होने के बाद फिर से हमको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और फिर से उसी वीडियो को ऐड करना है जो अभी हमने बनाया है, ठीक है ना। 8 सेकंड का है, इसको ऐसे ले लेना है, ठीक है। ऐसे ले लेना है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा वेट लगेगा, उसके बाद से ऐड हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। ऐड हो गया, देख सकते हैं। ऐड होने के बाद इसमें अगर चाहें आप लोग तो कोई एनिमेशन वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ, ठीक है। कट लगा दिया, अब इसमें हम एफएक्स में जाके कोई एक एनिमेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एनिमेशन या फिर ये वाला एनिमेशन ऐड कर देंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही इसको ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके एक एनिमेशन ऐसे लगा लेंगे, फिर दूसरे वाले में भी कोई एक एनिमेशन लगा लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं मैं लगा लेता हूँ, ये वाला एनिमेशन भी ठीक है, इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक एनिमेशन लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके आएगा आपके नेम वाला, और लास्ट में एक और आता है बीएन का, ये वाटरमार्क, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अभी आपका वीडियो बन के एकदम रेडी हो चुका है। म्यूजिक भी है, थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। तो ऐसे करके म्यूजिक है, मैं पूरा म्यूजिक नहीं सुना सकता हूँ, कॉपीराइट का इशू है। तो ये भी म्यूजिक आप लोगों को ऐड कर देना है और इंस्टाग्राम पे सिंपल से जाके पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे सेव कर लेंगे इस वीडियो को, ठीक है ना। सेव कर लेंगे, सेव कर लिए। तो बस ये ऐसे करके आप लोग अपने वीडियो को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो को आज मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।